अगर सच्चाई को बोला जाए तो सच झूठ नहीं हो जाता। हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि यार रोजगार नहीं है। क्या आप नहीं जानते, क्या हम नहीं जानते हैं? पूरा देश जानता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है, और देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है यह बात। मीडिया से बात करते हुए डिंपल यादव ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया है। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने राहुल गांधी की बातों का समर्थन किया है या फिर कहें इंडिया गठबंधन के धर्म का पालन किया है। उससे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि उन्होंने सवाल क्या किए हैं। वो महिला सांसद ने जो चुनकर के गई हैं लोकसभा के भीतर, जब धर्म की राजनीति उफान पर थी और जब महिला वंदना अधिनियम लेकर के आया गया, लेकिन कहा गया कि अभी यह लागू नहीं किया जाएगा, परिसीमन आयोग बैठेगा उसके बाद लागू होगा 2029 में। उस समय में जब वो चुनकर के गई तो जिन मुद्दों को वो चर्चा कर रही हैं, जिन मुद्दों को वो पूछ रही हैं, उससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उन्होंने कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। अगर सच्चाई को बोला जाए तो सच झूठ नहीं हो जाता। हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि यार रोजगार नहीं है। क्या आप नहीं जानते, क्या हम नहीं जानते हैं? पूरा देश जानता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है, और देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है यह बात कि महिलाओं की क्या स्थिति है और कैसे पूरा देश हमारा जो है महिला कहीं ना कहीं असुरक्षित है। बाहर से तो विदेशी महिलाएं आती है, उनका भी बलात्कार हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सच बोलने की कोई जगह नहीं होती, सच आप कहीं की बोलती है। इन सवालों की हमें और आपको चर्चा करनी चाहिए कि जिन मुद्दों को वो कह रही हैं, वो महिलाओं की बात कर रही हैं और रोजगार की बात कर रही हैं। रोजगार और महिला का मुद्दा किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं पूरे देश में। रिपोर्ट कहती है कि हर 18 मिनट पर एक बलात्कार होता है हमारे मुल्क में, और जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, किस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलो ये भी रोजगार है, लेकिन वो पकौड़े तलने वाले लोग, वो रिक्शा चलाने वाले लोग, वो मजदूरी करने वाले लोग जिस तरह से मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, एक तरीके से वो अंदर ही अंदर घृणित होते चले जा रहे हैं। पढ़ने लिखने को कोई जॉब नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध बढ़ते चल रहे हैं। इन दोनों सवालों को साथ में डिंपल यादव ने पूछा है और गोदी मीडिया से ये सवाल किया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और राज्य में योगी बाबा से सवाल क्यों नहीं करते हैं, क्यों आपके मुंह में दही जम जाता है। इन सारी चीजों को किस तरह से उन्होंने सबके सामने रखा, यह आपको देखना चाहिए, और सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सवाल और इस तरह की राजनीति हो, क्यों? क्योंकि इन सवालों में केंद्र में जनता है, इन राजनीति की केंद्र में जनता है, और जब राजनीति की केंद्र में जनता आती है तो जनता जनार्दन बनकर के सत्ता को चुनती है और सत्ता के अनुसार उसी के अनुसार कार्य करती है। लेकिन जब राजनीति के केंद्र में धर्म आ जाता है, जब राजनीति के केंद्र में जाति आ जाती है, जब राजनीति के केंद्र में कट्टरता आ जाती है, तो जनता के सवालों को नेता गायब कर देते हैं और उन पर चर्चा नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें और गोदी मीडिया जो मुंह में दही जमा करके बैठा है उससे इस तरह के सवाल पूछते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।